आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के मीडिया लाइब्रेरी में से जितने भी आपकी अनयूज्ड इमेजेस हैं एंड फाइल्स वगैरह हैं उनको कैसे डिलीट कर सकते हो। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सोम विश्वकर्मा और आप देख रहे हो सुभाष डिजाइन की एक और नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हम अपने एक वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। ये हमारी वेबसाइट है और इसको हमने लगभग लगभग रेडी कर दिया है पूरा, ठीक है। तो इस पर जो भी कमी वगैरह हैं, जो भी हमारी फालतू की इमेजेस हैं, उनको यहाँ पर हम लोग डिलीट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम लोग इस पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अब हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि हमारी कौन सी इमेजेस यूज्ड हैं और कौन सी अनयूज्ड हैं। तो लाइक जैसे हमने यहाँ पर पहले वो किया, जैसे कि हमारी टेम्पलेट इंपोर्ट की गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेड डाटा जैसे कि अपने ये इमेजें हो गई, ये हो गई, ये जो खाली ब्लैंक बॉक्स वगैरह हैं, ये हमारे यहाँ पर काम के नहीं है, तो हम लोग इसको डिलीट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या, हमें यहाँ पर बल्क सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अभी हम लोग इसको डिलीट करना चालू करेंगे। तो हमें जैसे ये इमेज करनी है डिलीट, ये करनी है, ये करनी है, तो हम इनको जितनी भी करनी है हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे ऐसे हम लोग, ये सेम वो है, आप ऐसे ही किसी भी जो आपकी हो उसको आप डिलीट कर सकते हो यहाँ पर। चाहे फाइल भी अगर आपने कोई जिप फाइल वगैरह अपलोड करके रखी है तो वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फिलहाल हमने कोई जिप फाइल यूज नहीं करी यहाँ पर, तो इसलिए वो दिख नहीं रही है। अदरवाइज आप उसको भी यहीं पर देख जाएगी ऐसे ही, और आप उसको ऐसे भी डिलीट कर सकते हो। तो देख सकते हो लगभग लगभग हमारी जितनी भी अनयूज यहाँ पर इमेजेस थी हमने यहाँ पर सारी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और बाकी हमारी ये यूजफुल हैं, तो इसके लिए हम इनको यहाँ पर नहीं हटाएंगे। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ये भी हमारी अनयूज ही थी और ये भी हमारी अनयूज थी। तो कुल मिला के करीब हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं इमेजेस, अब हम इनको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ओके एक बार हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो धीरे धीरे अपनी सारी इमेजेस यहाँ पर खाली हो चुकी हैं। पहले यहाँ पर 52 इमेजेस थी, बट अभी यहाँ पर 25 बची हैं। और इनमें से फिर से अगर आपको किसी डिलीट करना है तो बस आपको यहाँ पर बल्क सेलेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप क्लिक करके ऐसे करकाओगे। मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी एक ही इमेज को डिलीट करना है, तो उसके लिए बस आपको उस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है ऐसे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ईजिली ओके करने पर ही डिलीट यहाँ पर हो जाने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ईजिली यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई थीम वगैरह डिलीट करनी है, तो यहाँ पर अपीयरेंस में जाओगे, यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और जितनी भी आपकी यहाँ पर अनयूज्ड थीम होगी आप उसको डिलीट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी 2020 थीम है, ये अनयूज्ड है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर करेंसी यूज करी है, तो लेकिन ये पड़ी हुई, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इजीली। ये हमने यहाँ पर थीम भी अपनी डिलीट कर दी है। वहीं पर हम बात करें प्लगइन्स की, तो हम चलेंगे यहाँ पर प्लगइन्स में, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड प्लगइन में चलेंगे हम लोग। और अगर हमारे कोई प्लगइन यहाँ पर काम करने होगा तो हम इसको ईजिली यहाँ पर हटा पाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ये वाला हटाना है, ठीक है, एलिमेंटर प्रो हमने डाल रखा है इसमें, तो अगर अपने को ये हटाना है तो हम इसको पहले कर देंगे डिली एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब डिली एक्टिवेट पर हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो ईजिली यहाँ पर आपका जो प्लगइन है वो भी डिलीट हो जाने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पर डिलीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी प्लगइन्स डाले हैं सारे सारे काम के ही हैं, तो हम डिलीट कर देंगे यार, तो हमारी साइट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है, बस आपको प्लगइन में डिएक्टिवेट कर देना है, देन यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, पूरा डिलीट पर क्लिक कर देना है, आपका प्लगइन यहाँ पर हट जाएगा। बल्क सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना, इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए उनको आप हटा दो, और उसके बाद बल्क ऑप्शन में जाकर यहाँ पर चाहे एक्टिवेट कर दो, चाहे डीएक्टिवेट कर दो, चाहे फिर डिलीट कर दो, या फिर अपडेट भी कर सकते हो। सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो आप ऐसे अपना मीडिया फाइल वगैरह जो भी इमेज वगैरह उनको डिलीट कर पाओगे, थीम वगैरह डिलीट कर पाओगे, और प्लगइन वगैरह यहाँ पर आप डिलीट कर पाओगे। तो उम्मीद है कि अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ गाइज, अगर आपको इस समय फास्ट कमेंट की होस्टिंग परचेज करनी है, तो फास्ट कमेंट बहुत अच्छा ऑफर यहाँ पर आया हुआ है। रिसेंटली हमने वीडियो भी डाली है उसके ऊपर, तो आप उसको देख करके आराम से यहाँ पर फायदा ले सकते हो। जी हाँ, फास्ट कमेंट की इस समय 85% ऑफ में होस्टिंग मिल रही, मतलब उनकी बर्थडे सेल चालू है, जिस पर आपको 85% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आपको परचेज करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आपको हमारे इस पेज पर मिल जाएगी नीचे, ठीक है, यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको फायदा मिल जाएगा कूपन कोड का। देन इसके बाद हमारे कुछ डिस्काउंट वगैरह हैं, आप उनको भी यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि अगर आप फर्स्ट कमेंट हमारे उस लिंक से बाई करते हो, तो यहाँ पर आपको 750 रुपये का कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल हम लोग 500 देते हैं, बट यहाँ पर ऑफर चल रहा है, इसलिए 750 यानी कि $10 आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं कैशबैक के रूप में। देन हमारी थीम्स हैं जेनेट प्लस की है, और अस्तरा प्रो थीम वगैरह हैं, कोर्सेस वगैरह हैं, और रैंक मैथ प्रो प्लगइन है, एलिमेंटर प्रो है जो हमने डाल के आपको दिखाया था, वो एलिमेंटर प्रो ये है, तो ये भी आपको मिल जाएगा।
और इसके बाद हमारी सर्विसेज में 40% ऑफ भी है, और भी कुछ आपको ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर थीम मिल जाती हैं। और ये ऑफर किसी भी कंपनी की होस्टिंग लेने पर है, आप चाहे ब्लू होस्ट ले लो, चाहे फास्ट कमेंट ले लो, चाहे ग्रीन गिग्स ले लो, और चाहे A2 होस्टिंग ले लो। इसके बाद अगर आपको होस्टिंगर भी बाई करनी है तो होस्टिंगर पर भी हमारा सेपरेट ऑफर चलता रहता है हमेशा, ये हमेशा ऑफर चालू रहता है होस्टिंगर वाला, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। होस्टिंगर के लिए आपको ये पेज पर जाना है, ये लिंक आप देख लो, दोनों लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। होस्टिंगर वाले में आपको यहाँ पर 25% कैशबैक डिस्काउंट देता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी से हमको मिलता है वो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, तो यहाँ पर हम आपके साथ वो कैशबैक जो भी है परसेंटेज के साथ यहाँ पर शेयर कर देते हैं हमारी अपडेट अर्निंग में से। तो यहाँ पर भी आपको थीम्स मिलती हैं, कोर्सेस वगैरह हैं, और प्लगइन्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं SEO के लिए, और अपना जो भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए एलिमेंटर पर मिल जाता है, और भी नीचे यहाँ पर सब कुछ है। तो आप आराम से दोनों पेज में जो भी आप पोस्टिंग लेनी है उस पेज में आप जाओ, दोनों के उसमें लिंक आप देख लो, और उसके बाद बस आपको वीडियो वॉच कर लेना है, ठीक है। अगर होस्टिंगर लेनी है तो होस्टिंगर में आ करके उसका ये वीडियो वॉच कर लेना, इस पर हमने कंप्यूटर प्रोडक्ट बताया हुआ है कि आपको कैसे यहाँ पर सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं, कैसे आप उनको ग्रैब करोगे। तो ऐसे आप सिंपल से इनको भी ग्रैब कर सकते हो होस्टिंग ऑफर, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको होस्टिंग परचेज करनी है तो भाई फटाफट से ऑफर आप ग्रैब कर लीजिए, हमारे ऑफर भी आपको मिल जाएंगे और कंपनी का ऑफर भी यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल पाए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।